अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने एक नई पहल की है। 180 दिन के अति महत्वपूर्ण मिशन शक्ति के तहत आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर दिया है। इन थानों में महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था होगी। तय समय सीमा के भीतर फाइनल रिपोर्ट भी लगेगी। महिला और बालिकाओं की समस्या के निदान व सुरक्षा के संबंध में अलग से महिला कांस्टेबल और कक्ष की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों से संवाद भी स्थापित किया। उधर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले मेरठ में भी इसकी कमान स्वयं ADG राजीव सब्बरवाल व IG प्रवीण कुमार ने संभाल रखी थी। उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना से मिशन शक्ति अभियान को नई ऊर्जा मिली है। मिशन शक्ति अभियान को एक सप्ताह हो गया है। इन 7 दिनों में समाज में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। सरकार सभी बेटियों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करेगी। इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वे उठाए जाएंगे। पुलिस के साथ अन्य विभाग इन 7 दिनों में मिशन शक्ति अभियान के लिए क्या क्या किया है इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए, क्योंकि यह मिशन एकांगी नहीं है। प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत मेरठ में शुक्रवार को 30 थानों में महिला डेस्क शुरू कर दी गई। ज्यादातर स्थानों में महिलाओं के हाथों से ही डेस्क का शुभारंभ कराया गया। कोतवाली थाने में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी ने फीता काटा। कई स्थानों पर ADG राजीव सब्बरवाल, IG प्रवीण कुमार और SSP अजय साहनी भी पहुंचे। SP सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि थाने के कमरे को महिला डेस्क का रूप दिया गया है। इसमें सिर्फ महिला पुलिस ही जनसुनवाई करेंगी। इस मौके पर ADG राजीव सब्बरवाल ने मीडिया को यह जानकारी दी। मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे हम अपनी महिलाओं को एम्पावर करें, कैसे महिलाएं यदि आती हैं तो उनको एक गरिमापूर्ण माहौल में की समस्या को सुना जाए, या यथासंभव महिला पुलिसकर्मी हर समय मुस्तैद रह करके उनकी बात को सुन सकें और उनकी समस्याओं को लॉजिकल एंड तक लेकर जा सकें। इसलिए तमाम गैर सरकारी संगठन, सरकार की विभिन्न योजनाएं, सभी लोग बिल्कुल एक प्रकार से इंटीग्रेटेड होकर के इस कार्य को करेंगे और हमें अभी से बहुत अच्छे फीडबैक इसके प्राप्त हो रहे हैं। मेरठ रेंज में कितने थानों के अंदर ये टेस्ट? देखिए, मेरठ रेंज के सभी थानों पर हम लोगों ने इसको इस्टेब्लिश करा दिया है और आज की तारीख में हम लोग 71 थाने पूरी तरह से फंक्शनल हैं। बाकी थाने आचार संहिता के कारण पूरी तरह से वो उस पर भी हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और हर जगह पर आज से ये लोकार्पण की स्थिति है, जहां पर और एक बेहतर माहौल में, एक अच्छे अनुकूल वातावरण में महिलाएं आएंगी और अपनी जो बातें कह रही हैं, फीडबैक, केवल पीड़िता नहीं बल्कि जिनका कभी कोई मुकदमा है, उनकी काउंसलिंग की आवश्यकता है, उनकी कोई सुझाव है, विक्टिमोलॉजी का जो कंसेप्ट है, उन सारे प्रकरणों में वो एक प्रकार से आकर के महिला पुलिसकर्मियों से अपनी बात को कह करके अपनी समस्या को लॉजिकल एंड तक लेकर जाने की कार्रवाई करेंगे। इस बीच हमारे बिजनौर संवाददाता प्रदीप त्यागी ने बताया कि जिले में हेल्प डेस्क की विभिन्न थानों में शुरुआत की गई है। SP बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। मिशन शक्ति के तहत 17 तारीख से जो महिलाओं के स्वावलंबन, सुरक्षा और सम्मान के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है, उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के 1535 थानों पर महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। महिलाओं की बातों को सुनने के लिए पारदर्शी शीशे का एक अलग से टेबल, एक अलग से व्यवस्था की गई है, जहां पर कर्मचारी 24/7 सुनने के लिए और उनको कहीं भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे थाने में आप आते हैं, आप थाने में महिला हेल्प डेस्क पर सीधे आने की जरूरत है और उनकी बातों का अनुश्रवण और उसका क्रियान्वयन और उसकी समीक्षा राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अब घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर या चार दीवारी के बाहर किसी प्रकार का उत्पीड़न या उनके सम्मान के खिलाफ, इसमें कोई छेड़खानी और अन्य अपराध की बात नहीं है, अगर मानसिक रूप से भी कोई पीड़ित प्रताड़ित कर रहा है तो उसको हम लोग बहुत गौर से सुनेंगे और उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।